में प्रख्यात ज्योतिष स्वामी दिव्यानंद महाराज ने रांची सांसद प्रत्याशी संजय सेठ को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने संजय सेठ की कुंडली देखकर भविष्यवाणी की है कि इस बार रांची के सांसद के रूप में संजय सेठ चुने जाएंगे और अप्रैल या मई के संजय सेठ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह भी मिल सकती है। संजय सेठ जी का क्या ग्रह दोष रहेगा या क्या उन्हें फायदा मिलेगा? हाँ, ये चलिए, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम रांची से बात कर रहे हैं और हमारे बड़ी लोकप्रिय रहे हैं संजय सेठ जी, उनकी कुंडली मेरे हाथ पे है और मैं उनके लिए बात बोलूँगा। देखिए, कंप्यूटर में भी उनकी मेरी कुंडली रेडी में रख करके रखा था, मैं चाह रहा था ये प्रश्न है और बड़ा अच्छा सौरभ आपने पूछा। एक ही बात बताऊँगा, एक टर्म इन्होंने पूरा किया और दूसरे टर्म में इनका पदार्पण हो रहा है, चौखट पे खड़े हैं। जैसे अंदर आएंगे इनकी वाहवाही, इनका स्वागत राहु देव कर रहे हैं। राहु की महादशा चल रही इनकी और राहु की महादशा इन्हें, मैं एक बात और, इनकी जीत उत की बात तो बड़ी छोटी सी बात होगी आज के डेट पर, मैं यह बोलूँगा कि ये राहु की महादशा में अभी इनकी अंतरदशा शनि की है और प्रत्यंतर दशा की अगर बात करूँ तो यह भी इनका राहु में शनि है और एक मिनट चाहूँगा, राहु में शनि में और बुध की अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, जो प्रधानमंत्री का भी एक सिमिलरिटीज मिल रही है। मार्च अप्रैल महीने में इन्हें, मेरा ऐसा लग रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से, यदि मैं सही हूँ और ज्योतिष शास्त्र सही है, मेरा आकलन सही है, तो इन्हें तो ये मंत्रिमंडल में, ये मंत्री बनकर आएंगे, केंद्र में इन्हें कोई मंत्रालय भी मिलेगा, मैं ये भी कहूँगा। ऐसा योग है? बिल्कुल बिल्कुल, अप्रैल महीने में इस प्रकार का योग या नवांश कुंडली ऐसा आपको लग रहा है? हाँ बिल्कुल है, सिर्फ सारी कुंडली की जो स्थिति कह रही है और उस समय, अभी तो जीतना इनका बिल्कुल है, जीत कर आ ही रहे हैं, ये दोबारा सांसद बनेंगे ही रांची के, और मार्च या अप्रैल इस समय में इन्हें कोई मंत्रालय भी मिलेगा, ये भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ।